गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज के सेशन डेडिकेट होगा ऐसे बच्चों के लिए जो इंग्लिश में 100 out of 100 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ भले ही धीरे हो लेकिन जुनून बिल्कुल भी कम नहीं है। तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, कैसे हमें 100 out of 100 मिलेंगे। एक एक बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या है, तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सिलेबस का पहला पार्ट है जिसे हम ग्रामेटिकल सेगमेंट कहेंगे, दूसरा पार्ट जिसे हम वोकेबलरी सेगमेंट कहेंगे। तो ये जो ग्रामर है हमारा, इसमें हमारे पास टोटल देखने में तो आपको 80 टाइप्स के यहाँ पर टाइटल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो उससे काफी ज्यादा है। क्या क्या है सर? पहला ही चैप्टर है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस पर्टिकुलर कोई एक चैप्टर नहीं है, ये पूरी की पूरी ग्रामर का निचोड़ है। यहाँ पर किसी भी चैप्टर से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सर सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये होगा कि इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के लगभग आप 500+ क्वेश्चंस जो है वो कम से कम प्रैक्टिस करें, तब जाके आपको सारी ग्रामर का निचोड़ एक साथ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेंस और सिक्वेंस ऑफ टेंस। टेंस का एवरेज लेवल आपके आता है, बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, तो एवरेज लेवल तक आपको टेंस देखना है। वॉइस एक्टिव, सारी बुक्स कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें करूंगा। पहले हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, फिर सारी बातें करेंगे। जो जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं हमें तो जल्दी से बुक बता दो। अरे भाई जल्दी से पहले सिलेबस तो समझ लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा क्या है? नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप कहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन में आपके 3 ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप है, जिसमें आपका एसरेटिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, और वाइस वर्सा का मतलब अगर आप एसरेटिव टू नेगेटिव बना रहे हो तो नेगेटिव टू एसरेटिव भी पूछा जा सकता है, इंट्रोगेटिव टू पॉजिटिव बना रहे हो तो पॉजिटिव टू एसरेटिव भी पूछा जा सकता है। तो वाइस वर्सा का मतलब हो गया एक दूसरे के साथ चेंज करना। उसके बाद आ जाएगा यूजेस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल और डिटर्मिनर। वैसे डिटर्मिनर का ही एक टाइप होता है आर्टिकल, तो ये डिटर्मिनर आर्टिकल दोनों चैप्टर आगे जहां से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रेपोजिशन, यहां से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इसी में इंक्लूड है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका एक चैप्टर हो गया, जो कि वैसे तो जैसे ऊपर एक शब्द लिखा हुआ इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, ये सभी चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमने क्या बना रखी है, एक लिस्ट बना रखी है रूल्स की, और उसके अकॉर्डिंग उसको अलग रख रखा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद आ गया आपका डिग्री, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। जो डिग्री ऑफ कंपेरिजन है उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, कंपेरेटिव कौन सी है, सुपरलेटिव कौन सी है, या फिर उनके जो इंटरचेंज है, कभी कभी इंटरचेंज पूछ लिए जाते हैं, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलिए, सुपरलेटिव में बदलिए। उसके बाद आता है एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रोंगली यूज्ड। कनेक्टिव्स का मतलब है कंजंक्शन, रोंगली यूज्ड का मतलब है इन्हीं के जो यूजेस है वो आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा कंजंक्शन गलत तरीके से यूज किया गया है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रामेटिकल पार्ट। अगर चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर आप काउंट ना करें, यहां से आप स्टार्ट करें 1 2 3, और यहां पर आपका ये फोर्थ नंबर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, और ये अगर आप दोनों अलग अलग मानते हैं तो आप अलग अलग ऐसे काउंट कर सकते हैं 5 6। वैसे ये दोनों चैप्टर एक ही होते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर ये पूरा का पूरा सेगमेंट एक ही है। वैसे तो डिग्री जो है वो भी एडजेक्टिव का पार्ट है, लेकिन फिर भी अपन बड़े लेवल पर अगर ट्रीट करें और एक एक करके ट्रीट कर रहे हैं तो 5 6 ले लेते हैं, और ये आपका हो गया 7। उसके बाद में इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ये 8 हो गया, और डिग्री वाला जो है वो आपका 9 हो गया, और ये कनेक्टिव्स वाला आपके हो गया 10। तो लगभग लगभग आपके 10 चैप्टर जो है वो ग्रामेटिकल लेवल पर तैयार होते हैं। और इसके बाद आता है वोकेब वाला पार्ट। वोकेब वाले पार्ट की बात करते हैं, वोकेब में क्या क्या है। अगर वोकेब की बात करें तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। उसके बाद है वन वर्ड एंड सब्स्टिट्यूशंस, जो वन वर्ड है, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, ये पूरा वोकैब पार्ट का सेगमेंट है। कन्फ्यूजेबल वर्ड, और उसके बाद एडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपके पेपर का लगभग लगभग 25% जो है, 50% जो है वो आपके वोकैब सेगमेंट है, और 50% आपका ग्रामर है। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 50 नंबर का ही तो वोकैब है, एक एवरेज नंबर में बता रहा हूँ आपको, और 50 नंबर का ही आपके ग्रामर है। ठीक है, जनरली क्या है कि जो ग्रामर वाला सेगमेंट है, ज्यादातर बच्चों की ग्रामर वाला सेगमेंट अच्छा है, वोकैब में ज्यादा दिक्कत है, लेकिन मैं दोनों के लिए बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न जो आपके माइंड में चल रहा है, बेस्ट बुक कौन सी होगी और प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा। देखो बेस्ट बुक वाली बात है, मैं दोनों के लिए अलग अलग कर रहा हूँ। सबसे पहले बेस्ट बुक वाली बात करूं
यहाँ पर पहली बात मैं करता हूँ ग्रामर के लिए, पहली बात किसके लिए करता हूँ मैं, ग्रामर के लिए पहली बात करता हूँ। अगर ग्रामर के लिए आप देखना चाह रहे हैं तो एक बिंदु तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हर बुक बेस्ट है। हर बुक बेस्ट होने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी बुक के साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट बनाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो बुक्स लेवल पर आप अलग अलग तरह की चॉइसेस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक जनरल बुक की बात करें तो आप ल्यूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट एक जनरल बुक है। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चों ने जैसे केडी कैंपस का बुक ले रखा है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने जैसे कि अरिहंत ले रखा है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास चॉइसेस है, आप इन बुक के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इनके बियॉन्ड जाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप, हालांकि अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है बट जल्दी स्टॉक आएगा, आप ले सकते हैं इनसाइट। इनसाइट क्या है सर? इनसाइट हमारी बुक का नाम है जो पर्टिकुलरली हाईकोर्ट एलडीसी के लिए डिजाइन की हुई है, ठीक है। आप चाहे तो इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा आप जरूरी नहीं कि इनसाइट ले। अगर आपके पास पहले से ये बुक्स रखे हुए हैं तो ये इनफ होंगे, आपको इनसाइट लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तो बात होगी ग्रामेटिकल सेगमेंट के लिए। अब दूसरा वाला जो पार्ट आता है वो आता है वोकैब। ये सबसे बड़ी समस्या है, वोकेबलरी वाला पार्ट सबसे बड़ी समस्या है। तो वोकेबलरी वाला पार्ट कैसे करें सर? यहाँ पर नंबर डिसाइड नहीं होता, एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता कि सिनोनिम्स कौन से पड़े जो एग्जाम में आ जाएंगे। देखो ये डिसाइड करना सभी के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट के जो पेपर्स है उनसे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं किस तरह के सिनोनिम्स हमारे पूछे जाते हैं। अगर मैं इन बुक्स की बात करूं, यहां पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई है, सारे के सारे जितने मैक्सिमम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वन वर्ड है वो सारे के सारे दिए हुए हैं। हमने थोड़ा सा इसको लिमिट कर दिया, हमने जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है उनको इनसाइट में क्या कर दिया, एक्सरसाइज में डिवाइड कर दिया। हमने 20 एक्सरसाइज जो है वो सिनोनिम की रख दी है, 20 एक्सरसाइज है वो एंटोनिम्स की रख दी है, ठीक है। ये हमने एक्सरसाइज में से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं डेटा थोड़ा सा लेस हो जाएगा और वो एफिशियंटली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये तो बात हो गई वोकेबलरी की। वोकेबलरी के लिए अगर आपके पास ये बुक्स है तो इनकी वोकेबलरी के लिए आप जा सकते हो, बट इम्पोर्टेंट वो है कि वो वोकेबलरी अटैच होती या नहीं होती। तो आप चाहे तो इनसाइट की वोकेबलरी के लिए जा सकते हो। एक ऑप्शन जो बहुत लंबे टाइम से बच्चे मुझसे चाह रहे हैं कि सर आपके ही क्लास नोट्स हमें मिल जाए, आपके ही जो वोकेबलरी के सेगमेंट है वो हमें मिल जाए, उनके सभी के पीडीएफ हमें मिल जाए। हम एक नया ऐसा ऑप्शन लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो इनसाइट का प्राइस है वो 400 रुपीज है। आप चाहे तो इनसाइट का पीडीएफ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेरे क्लास नोट्स है, बच्चों के हैंड रिटन नोट्स है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे के सारे वन वर्ड, सारे idiom, सारे सिनोनिम, सारे एंटोनिम, इवन सारा का सारा ग्रामेटिकल पोर्शन बिल्कुल चैप्टर वाइज, जो हाईकोर्ट एलडीसी का जो क्लास स्टूडेंट है उनका डेटा आपको मिल जाएगा। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इस पीडीएफ का कॉस्ट होगा 250 रुपीज, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप ये पीडीएफ ले। ज्यादा रखने के पीछे हर बार एक रीजन होता है कि सिर्फ जो अच्छे स्टूडेंट है वही कनेक्ट हो, जो डेडिकेट है वही कनेक्ट हो। तो जिसको ऐसा नीड हो कि सर मैं तो डायरेक्टली, क्योंकि बुक मंगवाऊंगा तो मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे और मुझे राइट नाउ स्टार्ट करना है, तो आप 250 फोन पे करके, ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बुक का पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई हमारे पढ़ने की। सर फोन पे किस नंबर पे करना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं बता देता हूँ, 7742748581, ठीक है। इस नंबर पे आप फोन पे करके और डायरेक्टली ये बुक रिसीव कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट पीडीएफ रिसीव कर सकते हो। बुक अगर आप मंगाना है, हार्ड कॉपी अगर आप चाह रहे हो, तो उसमें आपको 7 to 8 days का टाइम चाहिए हमें। उसके बाद आता है सर प्रैक्टिस किससे करें। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस किससे की जाए। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि किसी ने इधर से कॉपी कर रखा है, किसी ने इधर से कॉपी कर रखा है, तो उनमें इश्यू सबसे बड़ा आता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिस पेपर उठाएंगे उसमें सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के क्वेश्चन पड़े हैं, आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे उसमें ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन पड़े जो हमारे रिलेट ही नहीं करता। तो ऐसे जो प्रैक्टिस सेट है उनको लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे तो नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो वहां पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि नंबर को कैसे इंप्रूव करें। तो प्रैक्टिस सेट चुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस सेट सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस सेट या तो लेकर ना आए, या अगर आप लेके आ रहे हैं तो बुक्स का ही प्रैक्टिस,
यूज करें आप, जो आप बुक यूज कर रहे हैं उसी की जो पीछे की प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए वो यूज करें। अगर आपको लगता है 100-150 क्वेश्चन मेरे लिए इनफ है, मेरे अच्छे स्कोर हो रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर जो मैं लेके आया उसमें भी ठीक हो रहा है, आपको कोई भी दूसरा सोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे बहुत बच्चों की डिमांड होती है, सर एक एक चैप्टर के मुझे तो 500-1000 क्वेश्चन मिले तब जाके मजा आए, तब जाके मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऑनलाइन एक कोर्स है हमारा जो हमने अभी लॉन्च किया है इंग्लिश प्रैक्टिस बेच के नाम से, जिसमें आपको हर चैप्टर के 500 प्लस क्वेश्चन, तो ये तो न्यूनतम है, ये तो न्यूनतम बता रहा हूं मैं आपको, 500 प्लस तो मिलने ही हर चैप्टर के, बहुत सारे चैप्टर जिनके 1000 प्लस भी है, बहुत सारे चैप्टर जिनके 800 प्लस है, तो जैसा चैप्टर है जिसमें जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग 500 एक मिनिमम नंबर है, 500 प्लस क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। सर अगर हमें ये प्रैक्टिस लेना हो तो क्या करना होगा? बाकी प्रैक्टिस के लिए आप मार्केट जाके मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। अगर आप ये प्रैक्टिस लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, सक्सेस आइकन, सक्सेस आइकन एप्लीकेशन के थ्रू आप ये सारी की सारी प्रैक्टिस सेट जो है वो बाय करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ऐसे बच्चों की मैं बात करता हूं जो प्रैक्टिस सेट भी नहीं लेना चाहते, मार्केट से भी बाय नहीं करना चाहते, वो क्या करेंगे भाई? उनके लिए बड़ा सिंपल, यानी कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना तो मुझे प्रैक्टिस सेट बाय करना है और ना ही मुझे मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट बाई करना है, ना सक्सेस आइकन से बाई करना है। अब बताओ सर अब क्या सॉल्यूशन है? ऐसे बच्चों के लिए मैं आप बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूं आपको। आपको जाना है प्लेलिस्ट में, हाईकोर्ट एलडीसी की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें इंग्लिश मिलेगी, उसमें मैंने चैप्टर प्लस प्रैक्टिस दोनों करवा रखा है, चैप्टर प्लस प्रैक्टिस दोनों करवा रखा है। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए, 500 प्लस क्वेश्चन चाहिए तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, आप ये ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। और जो 50 में से 50 का सपना है, जो 100 में से 100 का जो आपका सपना है वो बिल्कुल साकार होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, किसी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक जाते जाते एक चीज और बताना चाहूंगा, वोकेबलरी के जो भी बच्चे वोकैब में दिक्कत है जिनके बहुत ज्यादा, उनके लिए हमारी मॉर्निंग में हमारी एक सीरीज चल रही है वोकैब चेम के नाम से, जिसमें रोजाना साढ़े सात बजे वीडियो आता है और उसी का शाम को 7 से 10 टेस्ट होता है। अगर आप वोकैब की वजह से पीछे हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी कॉस्ट के वो जो वोकैब चेम का जो सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए। थैंक्स अ लॉट।